आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। बेगूसराय अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशन समूह घा को लेकर सिविल सर्जन और अनुदेशकों के बीच समझौता नहीं होने के कारण अभी तक समायोजन नहीं हो पाया है। वहीं प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बार बार अल्टीमेटम देने के बावजूद भी सिविल सर्जन ने अनौपचारिक अनुदेशकों का समायोजन पत्र नहीं दिया है। बेगूसराय में रालोसपा नेता रविन्द्र सिंह की पहल पर सिविल सर्जन कृष्ण मोहन वर्मा के आश्वासन पर आज तीसरे दिन अनुदेशक का धरना प्रदर्शन सदर अस्पताल में समाप्त किया गया। सदर अनुमंडल अधिकारी संजीव चौधरी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए धरने पर बैठे अनुदेशक व नेतृत्व कर रहे रालोसपा नेता से बातचीत कर घटनास्थल पर पहुंचकर धरनार्थियों को जूस पिलाकर धरना समाप्त करवाया। इस दौरान सिविल सर्जन कृष्ण मोहन ने बताया कि इन लोगों की नियुक्ति की दिशा में पूर्व से ही कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि रोस्टर तैयार कर जिलाधिकारी को भेजा गया था। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्द ही इसकी नियुक्ति की जाएगी। वहीं रालोसपा के प्रधान महासचिव रविन्द्र सिंह ने बताया कि अधिकारियों द्वारा नियुक्ति करने का आश्वासन दिया गया था। यदि निर्धारित समय सीमा के अंदर नियुक्ति नहीं की जाती है तो विपक्षी दल उग्र रूप में आंदोलन करने को बाध्य हो जाएंगे। बेगूसराय से मोहम्मद नवी आलम की रिपोर्ट। देखिए, हम शुरू से ही इन लोगों को नियुक्ति के लिए प्रयास में यहाँ के जितने रिक्त पदों की संख्या थी सबको हर एक प्रखंड से काउंट किया और रोस्टर बना करके अनुशंसा के लिए डीएम साहब को दे दिए हैं और बहुत जल्द ही वहाँ से अनुशंसा प्राप्त होगा। और उसके बाद क्योंकि संख्या भिन्न आ रही है तो एक बार अपने रिजिस्टर प्रमुख से राय लेकर के और सबकी नियुक्ति करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। कितने लोग के ये किया जा रहा है अभी? तो जो नियुक्ति की प्रक्रिया में रिक्त पद निकले हैं वो 160 से ज़्यादा निकल थे। सुबह पहले 96 को ही पद निकले थे जिसका रोस्टर नहीं हुआ था, तो वो सारे चीज़ों को हम कंप्लीट करने में थोड़ा वक्त ज़रूर लगा, लेकिन उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि इन लोगों का जल्दी से जल्दी नियुक्ति में हम लोग सफल हो। जो है कई सालों से मांग कर रहे थे, 2008 से कई सालों से ही लोग जो है मांग कर रहे थे और यहाँ तक कि मैं बता दूं कि सर्वोच्च न्यायालय का भी आदेश प्राप्त है, मंत्रिपरिषद से भी आदेश प्राप्त है और आदेश के का अवहेलना करते हुए लगातार जो है इनकी नियुक्ति नहीं की जा रही थी। लाचार होकर के ये लोग परसों से 96 की संख्या में हैं, ये लोग अनशन पर बैठ गए। अनशन पर बैठने के बाद जब हम लोगों को जानकारी मिली तो हम लोग यहाँ पहुँचे और पहुँचने के बाद हमने देखा कि निश्चित तौर पर यह मामला जायज है और मामले को जायज ठहराते हुए राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रधान महासचिव होने के नाते मैंने उनको समर्थन दिया और आज जो है सिविल एसडीओ साहब ने उधर से ही वार्ता के लिए बुलाया और तो हम लोग यहाँ से वार्ता के लिए गए और बातचीत में सिविल सर्जन साहब थे जो आपने अभी सुना उनके मुँह से, उन्होंने 15 दिन का आश्वासन दिया है कि 15 दिन के अंदर इन लोगों को नियुक्त किया जाएगा, नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। तो हमने इस बात की बातों को माना है अभी और अनशन जो है आप देखें कि अनशन तोड़ा गया है। अगर यदि 15 दिनों के अंदर नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा तो ये लड़ाई अब इनकी सिर्फ लड़ाई नहीं रही है, बेगूसराय के आवाम की लड़ाई बनेगी और तमाम राजनीतिक दल जो है हम लोग मिल करके बेगूसराय में प्रशासन के खिलाफ आंदोलन खड़ा करेंगे। मांगों के लिए अनौपचारिक शिक्षा का बहाली के लिए बैठे हुए हैं और अनशन किए हुए हैं, लेकिन अभी तक ना कोई कर्मी आए थे और ना कुछ पूछे। जिस ढंग से हमारा हुआ उस ढंग से हम अपना साथियों के साथ बैठे रहे। उसके बाद आज एसडीओ साहब ने रविंदर जी के माध्यम से हम लोगों को बुलाए और बुला करके संतना दिए दोनों मिल करके, डॉक्टर साहब और रविंदर जी के सब साथी 5 थे, सभी के बीच वो संतना दिए जो हम 15 दिन का पूरा नाम क्या हुआ 15 दिन का ले रहे हैं। और हमको कलेक्टर ऑफिस से आएगा फोल्डर तो हम कर देंगे, निश्चित है कर देंगे और आकर के वो हम लोगों को धरना तोड़ाए। क्या नाम है? निर्मला कुमारी। कहाँ से है? लखीसराय से।